वेलकम एवरीवन, आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ चुके हैं, जो कि पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिनके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अपनी अगली आने वाली वीडियोस में हम कुछ यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी समझते हैं, फर्स्टली क्या है इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जब कोई सब्सटेंस या कोई मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उसकी रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं, जिससे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रा कैसे जनरेट होता है, कितने तरीके का जनरेट होता है, ये अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जब एनर्जी इतनी कम हो कि वो रोटेशनल लेवल में ही ट्रांजिशन शो कर पाए, एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में ही आपका जो एटम या मॉलिक्यूल है वो जा पाए, तो वो रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस शो कर रहा है, इसलिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। इसीलिए आपने इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा। तो यहां पर हमने समझा कि जब कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्सॉर्ब कर रहा है तो रीजन क्या होगा, माइक्रोवेव रीजन क्या है, इसको हमें समझना होगा। तो माइक्रोवेव रीजन की अगर हम बात करें तो दैट इज 300 मेगाहर्ट्ज़, या हम कह सकते हैं 1 मीटर, और वी कैन राइट 1 मिलीमीटर। ये जो रीजन होता है ये बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है यूवी और आईआर के कंपैरिजन में। अब क्या कंडीशन होगी, वो कौन से कंपाउंड होंगे जो माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेंगे। पास में भी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में सभी में कंडीशन समझी हैं। हमने देखा है जब तक हमारा कंपाउंड अनसेचुरेटेड नहीं था उसने यूवी रेडिएशन को एब्सॉर्ब नहीं किया था, जब तक वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो नहीं कर रहा था तब तक उसने आईआर रेडिएशन को एब्सॉर्ब नहीं किया था, जब तक वो पोलराइजेबिलिटी शो नहीं कर रहा था रमन एक्टिव नहीं था। इसी तरीके से क्या कंडीशन होगी माइक्रोवेव एक्टिव कंपाउंड के लिए। सो कंडीशन फॉर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं ये जो स्पेक्ट्रा जनरेट करेंगे दैट विल जनरेट ड्यू टू द चेंजेस, और वी कैन से ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। और जो मॉलिक्यूल्स होंगे जब तक वो गैसियस स्टेट में नहीं होंगे वो रेडिएशन को एब्सॉर्ब नहीं करेंगे। तो जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं वो माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते हैं। गैसियस होने के साथ साथ एक कंडीशन और भी है दैट दे शुड शो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो कंडीशन क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल हो और परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करें। जब ऐसे कंपाउंड माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेंगे तो उनकी रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा जनरेट होगा और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी कर पाएंगे। नाउ पॉइंट इज दैट व्हाई ओनली गैसियस मॉलिक्यूल्स आर शोइंग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाई दे आर माइक्रोवेव एक्टिव। तो डियर स्टूडेंट, जो ये रोटेशनल एनर्जी चेंजेस होते हैं ये बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, बहुत कम एनर्जी वाले चेंजेस होते हैं। जितने भी सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके केस में ये रोटेशनल एनर्जी लेवल जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड ही नहीं हो पाते हैं, बट इन केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल वो क्वांटाइज्ड हो पाते हैं, जिसकी वजह से गैसियस मॉलिक्यूल ये स्पेक्ट्रा शो कर देते हैं, जबकि सॉलिड लिक्विड जो होते हैं वो ये स्पेक्ट्रा जनरेट ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी स्टडी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से नहीं हो सकती है। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं हमारे कंपाउंड के अंदर जब वो माइक्रोवेव रेडिएशन में एब्सॉर्ब करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, होता क्या है, जब भी हमारा कोई गैसियस मॉलिक्यूल है उसका अपना एक डाइपोल मोमेंट है, जब इसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और इस कंडीशन में जब ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वहां पर इस इंट्रेक्शन के कारण एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इमिट भी हो सकती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे और रोटेशनल स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, ये जो एब्जॉर्ब हो रहा है या इमिट हो रहा है, तो दो केस हो सकते हैं। नंबर वन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट माइक्रोवेव रेडिएशन
टू द मॉलिक्यूल, या तो माइक्रोवेव रेडिएशन मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा या मॉलिक्यूल से एनर्जी लेगा। तो ये दो तरीके के इंटरेक्शन हो सकते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन के माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। सेकंड केस जिसमें आपका जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी देगा इंसिडेंट रेडिएशन को। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें जहां ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का इंसिडेंट माइक्रोवेव रेडिएशन से मॉलिक्यूल में, इस केस में आपका मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और लोअर रोटेशनल एनर्जी से हायर रोटेशनल एनर्जी में जाएगा और इस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम जनरेट होगा। तो जो आपका मॉलिक्यूल है लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में जाएगा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जनरेट करेगा। व्हाइल इन द सेकंड केस आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो हायर एनर्जी या हायर रोटेशनल लेवल से लोअर रोटेशनल लेवल में आएगा और एनर्जी इमिट करेगा, जिसकी वजह से जो माइक्रोवेव रेडिएशन है वो एनर्जी ले रहा है आपके मॉलिक्यूल से, जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा जनरेट होगा वो इमिशन स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। तो इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल है जब वो इंटरेक्ट कर रहा है रेडिएशन के साथ तो हायर रोटेशनल लेवल से लोअर रोटेशनल लेवल में आ रहा है, जिसकी वजह से जो जनरेट हो रहा है स्पेक्ट्रा वो इमिशन स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने दो तरीके के स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहे हैं, या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है या फिर इमिशन स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है। तो इसी बेसिस पर हम देख सकते हैं कि माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स या तो माइक्रोवेव एक्टिव होंगे या माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे। तो वो सभी कंपाउंड जो गैसियस स्टेट में होंगे डाइपोल मोमेंट शो करेंगे, जब वो माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जनरेट करेंगे या इमिशन स्पेक्ट्रा जनरेट करेंगे, यानी कि वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जनरेट करेंगे, जिसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, और वो माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे। तो वो कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि जनरेट करेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, जैसे कि CO डाइपोल मोमेंट है, HF, HCl, HCN एटसेट्रा। तो ये जब कभी भी गैसियस स्टेट में होंगे ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जनरेट करेंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास गैसियस ना हो या कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना हो तो वो स्पेक्ट्रा ही जनरेट नहीं करेंगे, जैसे कि हम होमोन्यूक्लियस जितने भी मॉलिक्यूल हैं जैसे कि H2, N2, O2, Br2, ये सभी क्या होंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री रखने वाले जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सभी माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे। तो आज हमने इस तरीके से समझा कि जितने भी होमोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल हो और अगर हेट्रोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल है तो जिनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो वो सभी माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे, जबकि वो सभी मॉलिक्यूल जो हेट्रोन्यूक्लियस हो वो सभी अगर गैसियस फॉर्म में है तो वो माइक्रोवेव एक्टिव होंगे। तो आज हमने इस तरीके से माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझा है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, जब कोई कंपाउंड हमारा माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे, रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा वो स्पेक्ट्रा जनरेट होगा और कंपाउंड की स्टडी हो पाएगी। तो जब तक मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में ना हो परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना शो करे तब तक वो माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होगा। अब गैसियस मॉलिक्यूल ही माइक्रोवेव एक्टिव क्यों होते हैं इसको समझते हैं। हम जानते हैं जितने भी सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड रोटेशनल एनर्जी लेवल नहीं शो करते हैं, जो रोटेशनल एनर्जी चेंजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब जब कोई भी माइक्रोवेव रेडिएशन इंटरेक्ट कर रहा है हमारे कंपाउंड के साथ तो या तो वो कंपाउंड को एनर्जी देगा या हमारे कंपाउंड से एनर्जी लेगा। अगर उसने कंपाउंड को एनर्जी दी तो क्या होगा, हमारे जो कंपाउंड के या मॉलिक्यूल है वो लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में आ जाएगा और एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा शो करेगा। और अगर रेडिएशन ने एनर्जी ली तो हमारा जो कंपाउंड है वो हायर रोटेशनल लेवल से लोअर रोटेशनल लेवल में आ जाएगा और इमिशन स्पेक्ट्रा जनरेट करेगा। आइए समझते हैं कुछ एप्लीकेशंस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के। नंबर वन, ये स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशंस में यूज होती है। ओजोन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं। एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का आइडिया भी हमें यही स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है। आप होप करती हूँ समझ सकते हैं कि कौन से कंपाउंड
माइक्रोवेव एक्टिव होंगे और कौन से कंपाउंड माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया भी है एक आध बार यूनिवर्सिटी में। अपने आगे की वीडियोस में हम कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले 3 पेपर हम सॉल्व करेंगे 2019-20, 2018-19 एंड 2017-18। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।